What are the four elements of data processing? इस वीडियो में हम बात करेंगे four elements of data processing के बारे में. Data processing के four elements कौन से होते हैं? वो four elements जो data processing के elements होते हैं. तो friends, मेरा नाम मोहसिन शहजाद, मैं आपके लिए new video लेके आया हूँ data processing के elements के बारे में, और आप देख रहे हैं facts mentor. इससे पहले हम video start करें, आप लोगों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए. डाटा प्रोसेसिंग के फोर एलिमेंट्स होते हैं. द नंबर वन एलिमेंट इज इनपुट, सेकंड इज प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड देन स्टोरेज. इनपुट, डाटा इज इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइसेस. हम डाटा को कंप्यूटर में किसी भी तरीके से इंटर कर सकते हैं, माउस के जरिए भी इंटर कर सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए भी इंटर कर सकते हैं, हम टच करके भी डाटा को इंटर कर सकते हैं, ये कहलाता है इनपुट. देन प्रोसेसिंग क्या होती है? जब डाटा कंप्यूटर में इंटर हो जाता है तो कंप्यूटर में मौजूद एक प्रोसेसर होता है, वो डाटा को प्रोसेस करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. प्रोसेसर कहाँ मौजूद होता है? वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में. एक प्रोसेसर एक चिप होती है, उसके दरमियान मौजूद होता है. प्रोसेसर जो होता है वो जो डाटा हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, कन्वर्ट कर देता है यूजफुल इंफॉर्मेशन में. और इसकी डिटेल बातें सब कुछ मैं पहले अपनी वीडियोज में बता चुका हूँ. प्रोसेसिंग होने के बाद हम आ जाते हैं आउटपुट में. जो डाटा डिस्प्ले होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर वो आउटपुट की सूरत में होता है. यूजफुल इंफॉर्मेशन जो होती है, एलसीडी, कंप्यूटर मॉनिटर हो, उस पर जो हम अरे सामने मौजूद होती है, हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो हमारा आउटपुट होता है, जो कि कंप्यूटर इनपुट डाटा को प्रोसेस करके हमें प्रोवाइड करता है. इसके बाद आता है स्टोरेज, जो उसका फोर्थ एंड लास्ट कंपोनेंट होता है डाटा प्रोसेसिंग का, वो होता है स्टोरेज. स्टोरेज क्या होता है? व्हाट इज स्टोरेज? स्टोरेज एक सेकेंडरी डिवाइस होता है कंप्यूटर में. ये इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, ये जितनी इसकी रेंज, इसका साइज मुख्तलिफ हो सकता है. 60 GB, 30 GB, 40 GB, 180, 160 एंड 1 TB एंड गीगाबाइट, आप जहाँ तक इसको मर्जी एक्सटेंड भी कर सकते हैं और जितना मर्जी इसमें डाटा आप स्टोर भी कर सकते हैं. इसी तरह को जो हमारे प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, यूजफुल डाटा होता है, वो हम स्टोर करते हैं इन्हीं सेकेंडरी डिवाइसेस में. हार्ड डिस्क भी इसे कहते हैं, और SSD जो ड्राइव होते हैं वो ज़्यादा फास्ट होती है, वो भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेटिवली. और ये इस डाटा को हम कर लेते हैं स्टोर. तो ये कंप्लीट हो गई हमारी चारों इसकी एलिमेंट्स. डाटा प्रोसेसिंग के कौन से फोर एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में हमने बात कर ली, उसकी थोड़ा मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर लिया, उसकी एग्जाम्पल्स भी दे दी, और मैं हर एक चीज़ को एक पॉइंट एक मुख्तसर सा बयान करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा. अगर मैं चाहूं तो 2 घंटे की वीडियो भी बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप बोर हो जाएंगे. 2 घंटे मैं खुद भी नहीं देखता कोई इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस, यानी जो चीज़ हमें समझ ना आए वो हम क्लिक करें, 1 मिनट में हमें प्रोवाइड हो जाए, वो हम पढ़ लें और हम छोड़ दें उसे, देन मूव करें हम नेक्स्ट पर. तो ये होती है एक स्ट्रेटजी. मेरी स्ट्रेटजी यही है कि जो हमें समझ नहीं आता वही वीडियो हम निकालें और देखें. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मालूमात को शेयर करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.